السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں. اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں. تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. یوں فرمایا کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں. اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں. تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود پاک پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک رزق بھی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اسے ہر حال میں مل کر رہے گا. ہاں، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا. مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا. اب اللہ تعالی نے جو ہمارا رزق لکھ دیا ہے وہ تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے دینے ہی والے ہیں.
हमें चाहिए कि उसको हलाल तरीके से ले। यहां बंदा हलाल तरीके से भी ले सकता है और हराम तरीके से, गलत तरीके से भी ले सकता है। वो मिलेगा तो इतना ही जितना मुकद्दर में लिखा है, लेकिन हलाल तरीके से लेगा अल्लाह उसमें जो है बरकतें डाल देंगे। और बरकत ऐसी चीज है कि जब बरकत आती है परेशानियों का खात्मा हो जाता है और इंसान को खुशियां जो है वो नसीब होती है। गुज़िश्ता कल अर्ज किया था, हमें चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह आपका शुक्र है, आपका करम है, आपका एहसान है। प्यार अल्लाह, लोग इतने परेशान हाल है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उनके पास पैसे कुछ नहीं, कितने लोग वो हैं पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और परेशान हाल है। ये लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे मौके पर भी तो हमें खिला रहा है, अच्छे में अच्छा नाश्ता कराता है, दोपहर का खाना खिलाता है, रात का खाना खिलाता है, जब सोने का वक्त आए मीठी नींद सुलाता है और पांच वक्त की नमाज पढ़ने का तो मौका आता फरमाता है। और अल्लाह, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपका करम है, आपका फजल है। कितने लोग वो हैं जो फंसे हुए हैं और कहां कहां फंसे हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हाल है, रिस्क के मामले में परेशान है। कितने ऐसे लोग हैं कि सही मानों में उनके घर में दूध लाने के भी सही मानों में पैसे नहीं होते और उनके बच्चे बिलक बिलक के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अफसोस इस बात पर है कि ऐसे आलम में भी मालदार जो है अपनी कब्र को भूले हुए हैं, अपनी मौत को भूले हुए हैं और अपने पैसे को संभाल संभाल कर, बचा बचा कर जो है वो तिजोरी में रखे हुए हैं और उसे देखकर खुश हो रहे हैं। अरे मालदारो, ये सखावत का वक्त है, ये सखावत का वक्त है, ये गरीबों की मदद करने का वक्त है, ये अल्लाह को राजी करने का वक्त है। आप थोड़ा सा अल्लाह के नाम पर लगाओगे, पता नहीं अल्लाह ताला कितना आता फरमाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के नाम पर खर्च किया हो और गरीब हो गया हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। अरे मालदारो, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप कुछ लोग तो मांग लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा तबका वो होता है जिनका चेहरा सवाली होता है, वो जुबान से कह नहीं सकते, उन हजरात को तलाश करें। आपकी दुकान पर बैठने वाले जो पहले बैठते थे वो अभी नहीं आ रहे, जरा आप उनकी भी मदद करें। आपकी दुकान पर काम करने वाले कारीगर लोग, आप उनकी भी मदद करें। और आप जो है लिल्ला रकम से जो है आप गैरों की भी मदद फरमाएं। ये तो अखलाक के बताने का वक्त है, अखलाक को पेश करने का वक्त है, अल्लाह को राजी करने का वक्त है। ये तो बहुत बड़ा शेयर बाजार है, पता नहीं एक एक रुपया खर्च करने पर अल्लाह कितना देगा। तो गुज़िश्ता कल की मजलिस में ये बातें भी जो है आपके सामने रखी थी कि हजार पर दस रुपये लिल्लाह अल्लाह के लिए निकालने की कोशिश करें। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है बरकतें अता फरमाएंगे। तो रिस्क जो है ये जो खुदा ने लिख दिया है वो हमें हर हाल में मिलकर रहेगा, फिर इस रिस्क के खातिर हम अल्लाह को क्यों नाराज करें? पैसे के खातिर हम क्यों जमाते छोड़े? हम क्यों दुकान पर बिजनेस पर झूठ बोले? हम क्यों ऐप बताए बगैर माल बेचे? हम क्यों अल्लाह को नाराज करने वाला काम करें? हम क्यों दुकान पर ग्राहक के सामने झूठ बोले? मेरे अजीजों, सच्चाई के साथ बिजनेस कीजिए। यूं फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। सच्चा अमानतदार ताजिर कल कयामत के दिन अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। शर्त यह है कि वो ताजिर सच बोलता हो, सच्चा हो, अमानतदार हो, अमानत की खिलाफ वर्जी न करता हो।
हमें चाहिए कि हम अच्छे ताजिर बने, हम अच्छे इंसान बने, अच्छे शौहर बने, अच्छे बाप बने, अच्छे दोस्त बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे खुसर बने। हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, न हमारी बीवी को, न हमारे बच्चों को, न हमारी बहुओं को, न हमारी बच्चियों को, न हमारे रिश्तेदारों को, न हमारे अड़ोस पड़ोस को, न हमारी दुकान पर बैठने वालों को। हमारी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे। हमें चाहिए कि हम ऐसी काबिल रश्क जिंदगी गुजारें। खुश नसीब है वो हजरात जो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, उनको सलाम हो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाए। एक बहुत बड़ा तबका वो है जो कारीगरों को गाली बोलता है, दुकान पर बैठने वालों को गाली बोलता है, क्या तू भूल गया, हो सकता है अल्लाह तुझे नौकर बनाता और उसको तेरी जगह सेठ बना देता, फिर तू क्या करता, क्या एक दिन अल्लाह की अदालत कायम नहीं होने वाली, क्या एक दिन इंसाफ का नहीं आने वाला है, क्या तुझे अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना है, क्या तू आज कुछ अल्लाह ने दिया है तो क्या तू अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को मालदार समझता है। अरे मेरे अजीजों, जुबान की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो। बाज़े मर्तबा जुबान से कोई ऐसा जुमला निकलता है जो इंसान को जन्नत के आला मकाम तक पहुंचा देता है, और कभी कभार कोई ऐसा खतरनाक जहरीला और दिल को चुभने वाला जुमला निकलता है जो इंसान को जहन्नम की तह तक पहुंचा देता है। ये जुबान अल्लाह की नेमत है, इस जुबान में हड्डी नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। जुबान में हड्डी नहीं और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। जरा गुस्से पर कंट्रोल करो। अगर हम जो गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह भी हम पर गुस्सा हो गए, फिर बताओ हमारा क्या होगा। हम कहते हैं हमें गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को पीना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। हम यहाँ लोगों को माफ करेंगे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें माफ करेंगे। और अगर हम यहाँ लोगों की हर छोटी छोटी बात में पकड़ धकड़ करेंगे, याद रखना अल्लाह भी हमें पकड़ सकता है, वो हमें देखता है और वो हर चीज पर कादिर है, और वो जो चाहे वो कर सकता है, और वो बादशाहों का बादशाह है, और वो शहंशाहों का शहंशाह है, और वो अहकमुल हाकिमीन है, वो ताजदार मदीना का रब है, और इंसाफ का दिन आने वाला है। और कैसा इंसाफ होगा, एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ दिया, अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन दोनों बकरियों को जिंदा करेगा। हालांकि बकरी तो मिट्टी बना दी जाएगी, लेकिन इंसाफ का दिन आने वाला है। एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ा, अल्लाह कयामत के दिन दोनों बकरियों को जिंदा करेगा और इससे कहेगा कि इसने तेरा दुनिया में सींग तोड़ा था, आज तू इसका सींग तोड़ दे। फिर वो बकरी उसका सींग तोड़ देगी, फिर दोनों को मिट्टी बना दिया जाएगा। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देकर आपको बता रहा हूं। आप अंदाजा लगाओ कि बकरियों का, बकरों का तो हिसाब नहीं, उसके बावजूद उनको ऐसा इंसाफ मिलेगा, क्या मुझे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या हमने किसी का दिल तोड़ा होगा? क्या हमारी पकड़ नहीं होगी? क्या हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो क्या हम खुदा की नजर से नहीं गिरेंगे? क्या हम अगर गरीबों को हकीर समझेंगे, क्या वो खुदा इस पर कादिर नहीं था कि हमें गरीब बनाता? क्या वो इस पर कादिर नहीं था कि हमें फकीर बनाता? क्या वो इस पर कादिर नहीं था कि हमें भी किसी का नौकर बनाता? ये अल्लाह का एहसान है। अरे मालदारो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आप तो जितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करो इतना कम है। लोग लॉकडाउन में परेशान है और आपके दस्तरखान पर शानदार और कीमती नेमतें हैं, और आपका पूरे रात दिन जो है वो एसी में गुजर रहे हैं। आप तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अरे आप तो कांटों पर सजदा करो तो भी कम है। अपने आप को मिटाओ, अपने आप को छोटा समझो, अपने आप को हकीर समझो, अपने आप को मिटा दो। यूं फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह
رفعه اللہ, جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے, رفعه اللہ, اللہ اسے بلند کرتا ہے, اللہ اسے باعزت کرتا ہے, اور جس کی عزت کرنے پر اللہ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی. ومن تکبر, اور جو شخص تکبر کرتا ہے, وضعہ اللہ, اللہ اسے ذلیل کرتا ہے, اور جس کو ذلیل کرنے پر اللہ جائے ساری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی. عزت تو خدا نے توازو میں رکھی ہے, اپنے آپ کو مٹانے میں رکھی ہے. فرمایا کہ مٹنا ہے پانا اور پانا ہے مٹنا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جس شاخ پر پھلو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے, ترازو کا بھاری پلڑا جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, پہاڑ پر چڑھنے والا وہ جھکتا ہوا چڑھتا ہے. انسان جو عزت پاتا ہے اور خدا کے دربار میں مقام پاتا ہے, وہ اپنے آپ کو مٹا کر اور تقوی کی برکت سے پاتا ہے. اپنے آپ کو مٹانا, میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. فرمایا کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا, ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا. ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ کے چاہے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. ایک دفعہ مجھے مستورات میں بات کرنے کا موقع ملا, میں وہاں گیا, آواز ہی نہیں نکل رہا ہے. پانچ منٹ ہوئی, میں نے ریٹرن مائک دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ میرا آواز نہیں چل رہا. یہ کہنے کے لیے تو آواز نکلا کہ آواز نہیں چل رہا, لیکن بیان کے لیے آواز نہیں نکلا. جب میں وہاں سے ریٹرن آ رہا تھا, اس وقت احساس ہوا کہ ثاقب تو بولنے میں بھی خدا کا محتاج, جب تک اللہ نہ چاہے وہاں تک تو بول نہیں سکتا. اس لیے میرا عزیزوں, اپنے آپ کو مٹانا, توازو اختیار کرنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ابھی دنیا میں جتنے لوگ چلتے ہیں, خدا کی دھرتی پہ جتنے لوگ چلتے ہیں, ان میں اگر جو ہے سب سے بڑا گنہگار, پاپی اور مجرم اگر کوئی ہو تو وہ میں ہوں, کیونکہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ کو سب معلوم, چاہے دنیا والے نہ جانتے ہو لیکن اللہ کو سب معلوم. اللہ ہمیں کچھ ایسی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کا راز ہو اور کوئی تیسرا اسے نہ جانتا ہو. تو میں رزق کے بارے میں عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ غریبوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ ایک بات آپ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ غریبوں کی مدد کریں گے. آپ غریبوں کی مدد کرو گے, کیا اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں, اللہ کے دین کی بھی مدد کریں. جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کریں, دین کی محنت کریں, راہ خدا میں ہم وقت لگائیں. جب لاک ڈاؤن کھل جائیں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں, علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیے, جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا, اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. یہ رزق جو ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. اچھا پہلے سن لیجئے کہ جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا, اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا بچہ
दाने चने आते, दाने से खेल रहा था, लेकिन मस्ती के अंदाज में दाने को ऊपर उछालता और ऊपर मुंह करके खा लेता। मां ने समझाया कि बेटा अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ये अल्लाह तआला का रिस्क है, इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। और बच्चा तो बच्चे ही होते हैं, वो मस्ती मजाक के अंदाज में दाने को उछालता खाता रहता। एक मरतबा उसने दाने को ऊपर उछाला और खाने गया तो दाना नाक में चला गया, उसको निकालने गए तो और अंदर चला गया, उसको निकालने गए तो और अंदर चला गया। अब बच्चा तड़पा और परेशान हो गया और सांस का लेना भी उसके लिए जो है वो मुश्किल हो गया। और बेगम ने जल्दी से अपने शोहर को फोन किया कि बच्चे की तबीयत जो है बहुत सीरियस है। उन्होंने एक करीबी रिश्तेदार डॉक्टर साहब को फोन किया जो उसी मुल्क में दूसरी जगह रहते थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तत्काल में इस बच्चे का ऑपरेशन करना होगा, आप अभी जल्द अज जल्द फ्लाइट की बुक टिकट बुक कराएं और आप जल्दी से यहां पहुंचे और हम जो है बच्चे का ऑपरेशन करेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है रिकवरी आ जाएगी। और जल्दी जल्दी कोशिश की, तत्काल में टिकट निकाली और फ्लाइट पकड़ी, और माँ बाप भी परेशान और वो बच्चा भी परेशान, बच्चे को लेके जो है वहां गए। जब वहां पहुंचे उनके रिश्तेदार थे, डॉक्टर साहब गुसल फरमा रहे थे और बच्चा जो है बाहर जो है बागीचा था डॉक्टर साहब के यहां वहां खेलने लगा। तो बीवी ने बताया कि वो बच्चा आ गया है जिसका ऑपरेशन करना है, तो आप जो है थोड़ा सा जल्दी करें। अल्लाह की शान, बच्चे को बागीचे में छींक आई और जैसे छींक आई तो वो नाक में से दाना नीचे गिरा। करीब में एक मुर्गी चर रही थी, वो दाना जो है उसने खा लिया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं उस मुर्गी के मुकद्दर का दाना था, खुदा ने कैसा निजाम चलाया, ना ऑपरेशन की जरूरत पड़ी और मुर्गी को उसी वक्त वो मुर्गी को दाना अल्लाह को देना था, अल्लाह ने कैसा निजाम चलाया। ओ मेरे अजीजो, जो मुकद्दर में लिखा होगा वो चलकर भी आएगा और जो मुकद्दर में नहीं लिखा होगा वो आकर भी चला जाएगा। जब मुकद्दर की रोजी हर हाल में मिलने वाली है तो इसकी वजह से हम झूठ क्यों बोले हैं, इसकी वजह से हम धोखा क्यों दे, इसकी वजह से हम जो है सूद में क्यों पड़े, इसकी वजह से हम नमाजें क्यों छोड़े, इसकी वजह से हम रकातें क्यों छोड़े, इसकी वजह से हम बदनजरी क्यों करें, इसकी वजह से हम गलत बिजनेस क्यों करें। अरे अल्लाह का वास्ता, झूठ से बचो, धोखे से बचो, हलाल बिजनेस करो, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करो। अरे जब हम माँ के पेट में थे उस वक्त कौन खिलाता था, अल्लाह खिलाता था। अरे जब हम स्कूल जाते थे उस वक्त कौन खिलाता था, अल्लाह खिलाता था। आज जब के जवान हुए हैं, कुछ कमाने के काबिल हुए हैं, आज कौन खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है। हमारे घर वालों को कौन खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है। अरे जब हम दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद हमारे घर वालों को कौन खिलाएगा, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हमारे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा। फरमाया कि अल्लाह खिलाएगा, खिलाने वाली जात जो है वो अल्लाह की है, राजिक अल्लाह है, रिस्क देने वाले वो अल्लाह है। अल्लाह को राजी कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमाएंगे। आज तक तो रिस्क के पीछे बहुत भागे, जरा रिस्क देने वाले के पीछे भी तो भाग कर देखें, जो रिस्क देने वाला है उस अल्लाह के पीछे भी तो भाग कर देखें। अल्लाह के रिस्क की कदर कीजिए, फजूल खर्ची से बचिए और बखीली से भी बचिए। बखील अल्लाह को पसंद नहीं, फजूल खर्ची करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। एतदाल पर आइए, एतदाल पर आइए। बुखल बड़ी बुरी चीज है, अल्लाह ताला बखीली से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। हमें चाहिए कि हम सखी बने, सखी से तो शैतान भी डरता है और सखी का मर्तबा और सखी का मकाम बहुत ऊंचा होता है। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, यूं फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और एक बात अर्ज करूं, अल्लाह के रिस्क का कोई हिस्सा जाये न हो इसकी कोशिश कीजिए। एक मुफ्ती साहब नए नए मुफ्ती बने हुए थे, एक बुजुर्ग के यहां दावत पर तशरीफ ले गए। बुजुर्ग के यहां जब दावत पर गए, खाना खा लिया,
मुफ्ती साहब तो जवान थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं इन्हें क्यों तकलीफ दूं, दस्तरखान मैं ही साफ कर लेता हूं। उनकी जुबान में कहते थे, उन्होंने कहा हजरत दस्तरखान मैं ही झाड़ लेता हूं। हजरत ने कहा मुफ्ती साहब, बोले जी हजरत, दस्तरखान झाड़ना आता है, दस्तरखान साफ करना आता है। ये सोचने लगे मुफ्ती साहब कि दस्तरखान साफ करना भी कोई फन है क्या, इसका भी कोई जानने की चीज है। फौरन कह दिया, तवाजू थी, आजीजी थी, अल्लाह वाले थे, फौरन कह दिया हजरत मुझे तो नहीं आता दस्तरखान साफ करना। हजरत ने कहा फिर मैं दस्तरखान झाड़ता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत ने क्या किया, हजरत ने चार काम किए, अल्लाह करे हम लोग भी करें, अल्लाह करे हम लोग भी करें। दस्तरखान पर चार काम किए। पहला काम यह किया कि हड्डियों को एक तरफ कर दिया। दूसरा काम यह किया कि गोश्त लगी बोटियों को एक तरफ कर दिया। तीसरा काम यह किया कि रोटी के जो टुकड़े थे उन्हें एक तरफ कर दिया। और चौथा काम यह किया कि जो रोटी के और चावल के जो छोटे छोटे जर्रात थे उन्हें एक तरफ कर दिया। और हजरत ने हड्डियों को वहां फेंका जहां से कुत्ते आसानी से खा सके, गोश्त लगी बोटियों को वहां फेंका जहां से बिल्लियां आसानी से खा सके, रोटी के टुकड़ों को उन दीवारों पर रखा जहां से परिंदे आसानी से ले सके, और वो रोटी के जर्रात और चावल के वो छोटे छोटे जर्रात को उन बिलों में डाला, उन बिलों के करीब रखा जहां से चूटियां आसानी से खा सके। और फरमाया कि मुफ्ती साहब ये अल्लाह ताला का रिस्क है, इसका कोई हिस्सा जाये नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब कोई ऐसा अल्लाह के रिस्क का अदब करता होगा और अल्लाह के रिस्क का ऐसा एहतराम करता होगा कि उसका कोई हिस्सा जाये नहीं होना चाहिए, तो बताइए आप अल्लाह कितने खुश होते होंगे। क्या अल्लाह उन्हें बरकत वाली हलाल रोजी नहीं अता फरमाएंगे? अल्लाह खुश होंगे तो क्या नहीं देंगे? अल्लाह मिला तो सब मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। मैं मर्दों से कहना चाहता हूं, जरा इतना काम अपने हाथ में ले लीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता। जब आप ये काम करने जाओगे तो फैमिली मना करेगी, बीवी मना करेगी, आप कहना ना ना मैं करता हूं, फिर वो मना करेगी, आप कहना ना ना मैं करता हूं। एक हफ्ते तक कीजिए तो हमारे घर वालों को इसकी आदत पड़ेगी, वरना एक दिन के बाद अगर उसको कर लेने दिया तो तीन दिन के बाद आप देखोगे कि ऐसे ही दस्तरखान जो है वो पूरा उसका पूरा डस्टबिन की नजर हो जाता है, और वो कचरे के अंदर पूरा वो भी कचरा बन जाता है। हमारे दस्तरखान पे कितनी हड्डियां होती है, थोड़ी सी मेहनत 30 सेकंड की, वो बीवी तो कितना काम कर रही है, माशाल्लाह खाना बना रही है, अभी तो गर्मी भी चल रही है, आप जरा एक चाय बनाकर तो देखे किचन में जाकर, पता चलेगा कैसी गर्मी लगती है। और आपको पता होगा कि किचन में आग जल रही होती है, गैस की, गैस जल रहा होता है, और जो है पंखे भी बंद होते हैं। कभी हम जाए तो हमें पता चले कि इनकी कितनी कुर्बानी है, और हमारा हाल ये कैब निकालते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। और हालांकि हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है कि खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए, अगर कोई बात समझानी हो तो उसी वक्त न कहें, थोड़ी सी देर के बाद। उन्होंने बड़े दिल से बनाया है, उनका दिल दुखेगा, उनका दिल टूटेगा, क्योंकि उनकी मेहनत लगी है। उस वक्त तो कहो ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बाद में समझाना हो तो बड़े मीठे अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरे से समझाइए कि अगर इसकी जगह ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, उसी वक्त तो हरगिज नहीं टोकना चाहिए। तो आप ये काम अपने जिम्मे ले लीजिए, हड्डियों को एक तरफ करिए, गोश्त लगी बोटियां, हमारे यहां तो गोश्त लगी बोटियां बचती ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, गोश्त लगी बोटियां तो सब खाई जाते हैं। अगर वो उसको एक तरफ कर दीजिए, औरतों के जिम्मे तो बहुत काम है अभी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अजीब लतीफा आया सामने, लॉकडाउन चल रहा है, औरतों का काम बढ़ गया है, किचन का लॉकडाउन तो है नहीं। किसी ने लतीफा बना दिया कि औरत की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ चुकी है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना है और अपने सास के बच्चों को भी संभालना है। अल्लाह अकबर कबीरा।
यानी अपने बच्चे को भी संभालना है, सास के बच्चे को यानी शोहर को भी संभालना है। अल्लाह ताला हमें हंसता रखे, खुश रखे, मुस्कुराता रखे, फैमिली की कदरदानी की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत अता फरमाए। जिनकी फैमिली का इंतकाल हो चुका है, जरा आप उनसे पूछो कि फैमिली अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और मैं उन औरतों को कहना चाहता हूं जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका है, आप जरा उनसे पूछें कि शोहर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मियां बीवी मिलजुल के रहें, मोहब्बतों के साथ रहें, दोनों एक दूसरे की खूबियां देखें, ऐब न देखें। ऐब से न शोहर पाक है न बीवी पाक है। शोहर के अंदर भी ऐब है, बीवी के अंदर भी ऐब है। अभी जो शोहर है दुनिया में उनके अंदर भी ऐब है, अभी जो बीवियां हैं उनके अंदर भी ऐब है। हमें चाहिए कि खूबियां देखें, भला भलाई ढूंढे, बुरा बुराई ढूंढे। यूं फरमाया, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बत के लिए, लाते हैं वक्त कहां से लोग नफरतों के लिए। कोई चीज निकम्मी नहीं जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि जो हमारे मुकद्दर में लिखा हो वो मिलके रहेगा और हमें अल्लाह ही खिलाते हैं। हमें कौन खिलाता है भाई? अल्लाह ही खिलाते हैं। वो एक पठान साहब थे, वो जुमा की नमाज पढ़ के घर गए। वालिदा ने कहा खाना खा लीजिए। कहा नाना आज तो नहीं खाऊंगा, मौलाना साहब ने यूं कहा है कि अल्लाह ही खिलाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह खिलाएंगे तो ही खाऊंगा। मां ने कहा अल्लाह ही तो खिला रहे हैं, अल्लाह ही ने तो दिया है ये रिस्क, ये अल्लाह ही खिला रहे। कहा ना ना ना, हजरत ने कहा है कि अल्लाह ही खिलाते हैं, अल्लाह खिलाएगा तो खाऊंगा। मां ने समझाया ये अल्लाह ही खिला रहे। वो माना नहीं, जंगल में उनके घर के पीछे ही जंगल था, वहां निकल गया। मां ने पराठे बनाए हुए थे, वो उसके करीब रख दिए कि जब तुझे भूख लगे खा लेना। का हरगिज नहीं खाऊंगा। मौलाना ने बयान में कहा है कि अल्लाह ही खिलाते हैं, वो अल्लाह खिलाएंगे तभी खाऊंगा। चोरों की एक जमात का वहां से गुजर हुआ, उन्हें भूख लगी हुई थी, वो खाने की तलाश में थे। वो उन्होंने देखा कि यहां तो गरम गरम पराठे रखे हुए। उन्होंने अपने सरदार को कहा, सरदार हम तो वैसे भी चोरी करते हैं और यहां पराठे रखे हुए हैं तो हम खा लें। सरदार ने कहा कि देखो यहां कोई बैठा हुआ है। कहा हां एक शख्स बैठा हुआ है। हाँ इसको पता है ये चोरों के गुजरने का रास्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने जहर मिला के दे दिया हो और वो चाहता हो कि हम लोग मर जाएं। जरा पहले उसको एक निवाला खिलाओ, अगर वो थोड़ा सा खाएगा फिर हम खाएंगे, अगर वो नहीं खाएगा तो शायद यूं समझिए कि उसने जहर मिलाया है और वो हमें मारना चाहता है। चोरों ने उसको कहा भाई पराठा खाओ। कहा मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह खिलाएगा तो ही खाऊंगा। अरे खाओ, आप हमें मारना चाहते हो, आपने इसमें जहर मिलाया है। अरे भाई कोई जहर नहीं मिलाया, मेरी मां ने बड़े शानदार पराठे बनाए हैं, आप मुझ पर कैसा इल्जाम लगाते हो, मैंने जहर नहीं मिलाया और मैं तो खाऊंगा ही नहीं, अल्लाह खिलाएगा तो खाऊंगा। चोरों ने जो मारना शुरू किया और मार मार के खिलाया, वो ताज्जुब करने लगा। आइंदा जुमा मौलाना आए, मौलाना के पास गया। मौलाना आप बयान अधूरा क्यों करते हो? मैं क्यों अधूरा बयान? आपने कहा कि अल्लाह ही खिलाता है। कब? बिल्कुल यूं कहना था ना कि जो न खाना चाहे अल्लाह उसे मार मार के खिलाता है। खिलाने वाली जात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह ताला हमें खुश रखे, हंसता रखे। एक और लतीफा याद आ गया, सुन लीजिए। रोजाना मजलिस होती है, आज एक लतीफे याद आ रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। मुर्गी के छोटे बच्चे ने, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, उसने अपनी अम्मी से पूछा, मुर्गी से पूछा कि अम्मी ये दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं सबके नाम रखते हैं, जैद उमर बकर, हमारा नाम नहीं रखते? मां ने कहा बेटा तेरी गलत फहमी है, इंसान के बच्चों का भी नाम होता है, हमारा भी नाम होता है। फर्क इतना है कि इंसान के बच्चे का पैदा होने के बाद नाम रखते हैं और हमारा मरने के बाद नाम रखते हैं। अम्मी मरने के बाद कौन सा नाम? कहा बेटा वही चिकन टिक्का मसाला, चिकन अफगानी, मुर्ग मुसल्लम, चिकन बिरयानी। अल्लाह अकबर करे, अल्हक अल्लाह सिन्न। अल्लाह ताला हम सबको हंसता रखे, खुश रखे। एक जगह जुमा में मैं बयान के लिए गया तो मुझे कहा मौलाना ये चिकन जो बनाई है इसका नाम चिकन हांगकांग है।
मैंने कहा भाई चिकन लंदन भी तो बना देते। देखो ये अभी कुछ लतीफे याद आ गए और आपके सामने अरज कर दिए और उम्मीद है कि हम लोग सब ने हंस भी लिया होगा, अल्लाह ताला हमें हंसता रखे। लेकिन ये आर्टिफिशियल बनावटी हंसी है, लतीफा सुनाया तो हंस लिया और लतीफा खत्म हो गया तो हंसी खत्म हो गई, जब लतीफा याद आएगा तो हंसी आएगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं कि हम तौबा करें, हम अल्लाह के हो जाएं, हम जवानी अल्लाह पर फिदा करें, काबिले रश्क जिंदगी गुजारें, अच्छा वुजू करें, अच्छी नमाज पढ़े, गरीबों की मदद करें, ये वो अमल है कि हम अंदर से खुश रहेंगे और हमारा दिल जो है ना वो खुश रहेगा और हर वक्त हम अल्लाह की याद में रहेंगे तो अल्लाह हमें चैन सुकून इत्मीनान और अमन अमान अल्लाह तबारक व ताला हमें जो है वो अता फरमाएंगे। मुझे तो ये समझाना था कि मुकद्दर की जो रोजी है वो अल्लाह हर हाल में देने वाले हैं, फिर हम क्यों इसे झूठ बोल कर ले, फिर क्यों हम इसे अल्लाह को नाराज करके ले, फिर क्यों हम इसे ऐब बताए बगैर माल बेच करके ले, फिर क्यों हम सूद के रास्ते से ले, फिर हम क्यों चोरी के रास्ते से ले, फिर हम क्यों अमानत में खयानत करने के रास्ते से ले, फिर हम क्यों किसी के दिल को दुखा करके ले। मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमाइए, बारी ताला हमें किसी का कर्जदार और मोहताज न बनाइए। तो अल्लाह सबको रिस्क देता है, अल्लाह सबको खिला रहा है, अल्लाह सबको पिला रहा है, वो पालनहार है, वो रज़ाक है, वो शेर को शेर का रिस्क देता है, लोमड़ी को लोमड़ी का रिस्क देता है, चूंटी को चूंटी का रिस्क देता है, मच्छर को मच्छर का रिस्क देता है, कीड़ी को कीड़ी का रिस्क देता है। वो इंसान को क्या इंसान का रिस्क जो है वो नहीं देगा, वो जरूर देगा, ये तो अशरफुल मखलूकात है। और हम तो फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की लाडली उम्मत है, क्या अल्लाह हमें रिस्क नहीं देगा, का खिलाने वाली जात अल्लाह की है, तो हम अल्लाह को क्यों नाराज करें और अल्लाह को नाराज करके हम कौन सी कामयाबी की तलाश में है। अरे मालदारो गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, अपने इलाके का सर्वे करो, कौन परेशान हाल है जरा उसकी पूछताछ तो करो, जरा मालूम तो करो, जरा खैर खैरियत तो पूछो। रमजान में जकात निकालने वाले हैं, थोड़ा पेशगी जकात निकालो, लोग परेशान हाल है, कितनों के घरों में वक्त पर खाना नहीं बन रहा, कितनों के घरों में वक्त पर दूध नहीं आ रहा, कितने लोग जो है वो परेशान हाल है। हमें चाहिए कि हम किसी के खैरखा बने, अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। मालदारों आपके पास ये आखिरत की तैयारी का बहुत ही कीमती बहुत ही शानदार मौका है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर हम औरों की मदद फरमा करेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है, हीरे मोती के चक्कर में उड़ा जा आसमां में या फिर लगा होता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में, मुकद्दर में जो लिखा हो वही मिलने वाला है। आप देखो कितने लोग एजुकेट होते हैं, उनके मुकद्दर में ज्यादा रोजी नहीं लिखी होती, और कितने अंगूठा छाप होते हैं, सही मानों में दस्तखत और सही करना भी नहीं आता, लेकिन उनके मुकद्दर में अल्लाह ने बहुत रोजी लिखी होती है और वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। ऐसे बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो करोड़ों पति है और अच्छे अच्छे एजुकेट 10-10 हजार में, 15-15, 20-20 हजार में उनके यहां नौकरी कर रहे, वो स्कूल गए भी नहीं और करोड़ों पति है, और इसने 20 साल स्कूल में लगा दिए और 15-20 हजार में नौकरी कर रहा है, क्या बात है। कहा यहां मामला मुकद्दर का है, मुकद्दर में जितना लिखा हो इतना जो है हर हाल में मिलकर रहेगा। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह मुझे दुनिया में नकद माला माल कर दे, तो क्या कोई अमल है, क्या कोई वजीफा है। फरमाया मां बाप की खिदमत ये ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि इसकी बरकत से अल्लाह दुनिया में उसे नकद माला माल
कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो अल्लाह उन्हें इसाले सवाब करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। हाथ उठाए दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। या रब्बी सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह बेशक रोजी देने वाले आप हैं, रज़्ज़ाक आप हैं, आप हर एक को उसका रिस्क पहुंचा रहे हैं। ए अल्लाह हमारे मुकद्दर में आपने जो लिखा है वो आप हमें अता फरमाने वाले हैं। ए अल्लाह हमें उसको सही तरीके पर लेने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें हराम से हमारी हिफाजत फरमा, सूद से हमारी हिफाजत फरमा, किसी के दिल दुखा कर लेने से हमारी हिफाजत फरमा, चोरी से हमारी हिफाजत फरमा, अमानत में खयानत करने से हमारी हिफाजत फरमा, ऐब बताए बगैर माल बेचने से हमारी हिफाजत फरमा, ग्राहक के सामने झूठ बोलने से ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, बिजनेस पर रहते हुए हमारी नमाजें न जाएं ऐसे फैसले फरमा, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छा ताजिर बना, अल्लाह हमें अच्छा बाप बना, ए अल्लाह हमें अच्छा शोहर बना, ए अल्लाह हमें अच्छी औलाद बना, ए अल्लाह हमारी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे। ए अल्लाह ऐसी हमें काबिल रश्क जिंदगी अता फरमा, जब वक्त आए जब काबिल रश्क मौत अता फरमा। प्यारे अल्लाह एक बहुत बड़ा तबका लॉकडाउन में परेशान हाल है और वो भाड़ों के मकानों में है। ए अल्लाह मकान मालिक को और दुकान मालिक को ये तौफीक दीजिए कि वो एक एक महीने का किराया माफ कर दे। मकान मालिक को और दुकान मालिक को ये तौफीक दीजिए कि वो उनका एक एक महीने का किराया माफ कर दे। ए अल्लाह मकान मालिक को और दुकान मालिक को ये तौफीक दीजिए कि वो एक एक महीने का किराया माफ कर दे। पता चला कि एक दूर यहाँ से एक जगह है, वहाँ एक शख्स है, एक फैमिली है, वो आज जो है वो घर वालों के सामने फोन करके रो रहे थे कि वो एक हफ्ते पहले ही किराए के मकान में गए, एक हफ्ते तक उनका टूटा फूटा जो है वो बिजनेस चला, बच्चे जो है वो बिलक बिलक कर रोते हैं और किराएदार 2500 रुपए किराया लेने के लिए वो आ चुका है और उनके पास देने के लिए किराया नहीं, मुश्किल से दूध लाते हैं। अल्लाह ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सही मानों में खाना नहीं, जिनके पास जिनको सही मानो, ए अल्लाह उन पर रहम फरमा, उन पर रहम। और हम हैं कि तू हमें अच्छे में अच्छा खिला रहा है, उसके बावजूद हम मोबाइल में पड़े हुए हैं, हम न्यूज में पड़े हुए हैं, दोस्तों की महफिलों में पड़े हुए हैं, तुझे नाराज करने में लगे हुए हैं, कैरम और लूडो में लगे हुए हैं और टाइम पास की चीजें हम तलाश कर रहे हैं। ए अल्लाह हमें माफ कर दे, माफ कर दे। ए अल्लाह मालदारों को सखी बना, मालदारों को सखी बना, उनको अल्लाह तौफीक दे के वो सखावत का दरिया बहा दे। ए अल्लाह मालदारों को तौफीक दे के वो सखावत का दरिया बना दे, बहा दे। ए अल्लाह मालदारों को हातिम ताई जैसा बना दे, बखीली से उनकी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह मालदारों को हातिम ताई जैसा बना दे। प्यारे अल्लाह गरीबों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, रहबरी फरमा, अपने खजाने गैब से उन्हें अता फरमा। ए अल्लाह जो ऐसे लॉकडाउन के जमाने में जो तेरे बंदे दिल खोल के खर्च कर रहे हैं, ए अल्लाह आप उन्हें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, ए अल्लाह आप उन्हें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। मालदारों को अल्लाह खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें समझा दे कि अगर वो जमीन वालों पर रहम करेंगे तो अल्लाह आप उन पर रहम फरमाएंगे। प्यारे अल्लाह मालदारों को पूरी पूरी ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमा, आपके हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मजदूरों की मदद फरमा। ए अल्लाह कितने दुकान मालिक है वो यूं कहते हैं कि हम जो है वो दुकान पर बैठने वालों को इस महीने का किराया नहीं देंगे क्योंकि इस महीने दुकान खुली नहीं। ए अल्लाह ये मालदारों के दिलों में रहम डाल दे, ये मालदारों के दिलों में रहम डाल दे कि वो नौकरों को परेशान न करें, वो मुलाजिमों को परेशान न करें, उनकी तनख्वाह में कटौती न करें। ए अल्लाह हमें आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बखील न बना, ए अल्लाह हमें बखील न बना, ए अल्लाह हमें फजूल खर्ची से बचा, ए अल्लाह हमें सखी बना, ए अल्लाह हमें सखी बना। हमारे नबी सखी थे, हमें हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह,
आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे ऐसे फैसले फरमा। प्यारे अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उन्हें सेहत आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा, वालिदैन की परेशानियों को दूर फरमा, उनकी तकलीफों को दूर फरमा, उन्हें चैन सुकून इत्मीनान और अमन अता फरमा, उन्हें तकवा अता फरमा, उन्हें आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उन्हें ईसाल सवाब करते रहने की हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। प्यारे अल्लाह जब हमारे दुनिया से जाने का वक्त आए, मेरे मालिक हम पर नजर करम फरमाना, मेरे मालिक हम पर नजर करम फरमाना, माफ कर देना, हमारी सैयाद को हसनात से मुबद्दल फरमा देना, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा देना, गुनाहों से हमारी जान छुड़ा देना, नेक अमल की तौफीक दे देना। प्यारे अल्लाह जब हमारे जाने का वक्त आए, उस वक्त आप हमसे खुश हो, आपका और आपकी मखलूक में से किसी का वाजिबुल हक अदा हम पर बाकी न रह गया हो, ऐसे फैसले फरमा। प्यारे अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, गफलत से, झूठ से, धोखे से ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ने की, इस्तिगफार पढ़ने की, अव्वल वक्त में नमाजें पढ़ने की, अच्छा वुजू करने की, मिसवाक का एहतमाम करने की, खाने से पहले खाने के बाद, सोने से पहले सोने के बाद, और अल्लाह कदम कदम पर जो है सुन्नतों पर चलने की और दुआओं का एहतमाम करने की, ए अल्लाह हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। जितने लोग जहां जहां से सुन रहे, ए अल्लाह सबको सखी बना, सबको बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी औलादों को नेक और सालेह बना, सबकी दुनिया भी बेहतर बना, सबकी आखिरत भी बेहतर बना। ए अल्लाह आज की मजलिस को कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। प्यारे अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजिरी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह आइंदा कल भी जो है मजलिस होगी 10 बजे, और आज आप जिस मिक्सलर की जिस लिंक पर आप जो है मिक्सलर पर सुन रहे हो, इंशाअल्लाह आइंदा कल भी आप उसी पर सुन सकोगे। और जो मस्तूरात की बतौर खास मजलिस होती है वो इतवार और बुध के दिन होती है, तो इतवार के दिन जो है इंशाल्लाह 4 बजे, इतवार के दिन, संडे के दिन, 2 दिन के बाद जो है संडे के दिन 4 बजे बतौर खास जो मस्तूरात की मजलिस होती है, माओ बहनों से गुजारिश है सुनने की कोशिश करें, और भी आपकी सहेलियों को सुनने की जो है दावत दें। अगर कोई आपके कहने से किसी ने सुनना शुरू किया और कोई बात उसके दिल पर लग गई और उसकी दिल की दुनिया बदल गई, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेकी के काम में आगे बढ़ने की तौफीक और सआदत अता फरमाए, और इंशाल्लाह आइंदा कल भी 10 बजे जो है इंशाल्लाह मजलिस शुरू हो जाएगी। और अल्लाह की नेमतें जो बेशुमार है, और बहुत सी वो नेमतें जो पहले जमाने के बादशाहों को भी नहीं मिली थी और आज के एक आम इंसान को वो नेमतें मिली हुई है, इस टॉपिक पर इंशाल्लाह आइंदा कल बात होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सखी बनाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, कोरोना वायरस के अजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और पूरी दुनिया वालों को ए अल्लाह ईमान अता फरमाए। आमीन। इस आजिज के लिए भी दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम ورحمة الله وبركاته।